लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। केजरीवाल को एक बार फिर से ईडी ने समन भेजा है। कथित शराब घोटाला केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस के बाद ईडी ने जल बोर्ड से जुड़े एक मामले में भी केजरीवाल को समन भेजा था, जिसके मुताबिक आज उन्हें ईडी के सामने पेश होना है, लेकिन केजरीवाल ने ईडी के सामने पेश होने से इनकार कर दिया है। आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर ईडी की ओर से भेजे समन को गैर कानूनी बताया है। बता दें कि इस बार ईडी ने उन्हें दो अलग अलग मामलों के लिए समन भेजा था। ईडी ने आज केजरीवाल को दिल्ली जल बोर्ड में कथित अनियमितताओं से जुड़े धन शोधन की जांच के संबंध में पेश होने को कहा था। वहीं 21 मार्च को ईडी ने उन्हें दिल्ली शराब घोटाले के सिलसिले में पूछताछ के लिए बुलाया है। दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी ने एपीजे अब्दुल कलाम रोड स्थित उसके कार्यालय में उपस्थित होने को कहा था। आम आदमी पार्टी ने साफ कहा है कि आज वे पेशी के लिए नहीं आएंगे, क्योंकि बाकी 8 समन की तरह ये समन भी गैर कानूनी है। आप सरकार की मंत्री आतिशी ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल आज ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। जब कोर्ट से जमानत दी जा चुकी है तो ईडी बार बार समन क्यों भेज रही है? ईडी के समन अवैध हैं। आम आदमी पार्टी ने इससे पहले कहा था कि अरविंद केजरीवाल को समन भेजा जाना राजनीतिक साजिश का संकेत है। उन्होंने कहा कि कोई नहीं जानता कि दिल्ली जल बोर्ड का ये मामला किस बारे में है। दिल्ली के मंत्री आतिशी ने रविवार को एक संवाददाता सम्मेलन में कहा था कि ये किसी भी तरह से केजरीवाल को गिरफ्तार करने और उन्हें लोकसभा चुनाव में प्रचार करने से रोकने के लिए एक बैकअप योजना लगा रही है। बताया जा रहा है कि कथित तौर पर जल बोर्ड के पूर्व मुख्य अभियंता जगदीश कुमार अरोड़ा ने एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को 38 करोड़ रुपए का ठेका दिया था। ये ठेका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर्स की आपूर्ति, स्थापना और परीक्षण के लिए दिया गया था। इस मामले में आरोप लगाया है कि बोर्ड और एनबीसीसी के अधिकारियों ने रिश्वत के लिए एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर का पक्ष लिया। ईडी ने इस मामले में गत 31 जनवरी को जगदीश कुमार अरोड़ा और ठेकेदार अनिल कुमार अग्रवाल को गिरफ्तार किया था। उधर ईडी ने मामले से जुड़ी मनी ट्रेल की जांच करते हुए आरोप लगाया है कि एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर को अनुबंध दिए जाने के बाद अरोड़ा को नकद और बैंक खाते में रिश्वत प्राप्त हुई थी। ये पैसा अलग अलग पार्टियों को देने का आरोप लगाया गया है। वहीं आम आदमी पार्टी को चुनावी फंड के तौर पर भी पैसा दिया गया है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।